हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, और आज इस रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसमें आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, प्लस देखेंगे कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए और आपके लिए क्या फीलिंग्स रखती है। गाइज, एक जनरल रीडिंग है तो आपसे 100% रेजोनेट नहीं करेगी। उसके अलग ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हो, अपने आप से रिलेट कर सकते हो। मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं फर्स्ट सेक्शन से कि आपके पर्सन करंट में आपको लेकर क्या फीलिंग्स रखते हैं। ठीक है, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके लिए करंट में क्या फीलिंग्स रख रहे हैं। फर्स्ट वन इज टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन वृषभ कन्या मकर राशि आया है गाइस। टेन ऑफ कप्स कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि, यहाँ पर आपके लिए टेन नंबर यानी कि अक्टूबर मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन वृषभ कन्या एंड मकर राशि, गाइस आप लोग बहुत सेंसिटिव बहुत इमोशनल हो, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है। फाइव ऑफ कप्स अगेन कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि, डेथ गाइस कीजिए यूनिवर्स, स्कॉर्पियो की एनर्जी आ गई हमारी। नाइन ऑफ कप्स गाइस कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको लेकर करंट में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की उनको लेकर करंट अपडेट टीचर यूनिवर्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स गाइड टीचर यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आप लोगों के लिए नंबर नाइन यानी कि सितंबर मंथ और फाइव नंबर यानी कि मई मंथ भी इम्पोर्टेंट हो सकता है गाइस। किंग ऑफ सोर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि, ओवरऑल सभी एनर्जीज आ गई हैं। देखिए गाइस, विद दिस टेन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड टेन ऑफ कप्स कार्ड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन से या तो मैरिड थे, ठीक है, या आप लोगों का ये सब सपना था मैरिज में आने का, एक कमिटमेंट में आने का, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का। हो सकता है काफी लोगों ना इस पॉइंट पर आकर, जैसे आप अपने पर्सन से कमिटमेंट चाहते थे तो इस पॉइंट तक आ भी गए थे, लेकिन आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज हो गए, काफी लोगों का इन्फ्लुएंस हो गया, काफी लड़ाई झगड़े हो गए आप लोगों के बीच में, और आपकी ये स्टेबिलिटी का जो सपना था ना वो सपना बनकर ही रह गया यहाँ पर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे, कमिटेड थे, अपने पर्सन के साथ फैमिली में थे, लेकिन आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए, कोई फैमिली इश्यूज ज्यादा आप लोगों के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें काफी लोगों का इन्फ्लुएंस आ गया, काफी लोगों ने अपनी दो राय दी, यानी कि दो लोगों के रिश्ते में काफी लोग यहाँ पर घुसते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से आप लोगों का ये जो शादी थी ना वो सब खराब हो गई यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे बताता है, देखिए गाइस, आपके पर्सन को इतने टाइम पे, जितने भी टाइम पे आप अपने पर्सन के साथ रहे, वो आपकी नेचर से आपकी क्वालिटीज से तो भली भांति मतलब जानते हैं वो आपको इस चीजों के बारे में, वो जानते हैं आप बहुत नर्चर्ड हो, मदरली नेचर है आपकी, आप अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा बैलेंस करके रख सकते हो, ये सब चीजें उन्हें पता है, बहुत काम हो, सेंसिटिव ज्यादा हो, ये सब क्वालिटीज आपके पर्सन को पता है। और आपके पार्टनर के साथ विद दिस फाइव ऑफ कप्स कार्ड गाइस, इस समय पे ये जो आपके साथ पास्ट में ये इश्यूज हुआ है, काफी लोगों को इन्फ्लुएंस हो गया है ना, फैमिली इश्यूज ज्यादा हुआ है, ज्यादा लोगों का यही दिखाई दे रहा है, इस वजह से आपके पर्सन को कि
आपका रिश्ता खत्म हो गया है, डेथ हो गई है, उन चीजों का यहाँ पे बहुत ज्यादा रिग्रेट, बहुत ज्यादा पछतावा होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है। इस समय पे ये बहुत सैड एनर्जी में, बहुत होपलेस हो रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि चीजें कुछ सही नहीं हो सकती अभी। आपके बारे में इन्हें ऐसा लग रहा है गाइस कि आप अब आगे बढ़ चुके हो, अब आप अपने आप पे काम कर रहे हो, अपनी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हो, अपनी ग्रोथ पे, अपने पैसों पे काम कर रहे हो। और उसके साथ इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप ना अब इमोशंस को प्रायोरिटी देने की बजाय अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो, पैसों को ज्यादा देख रहे हो, आप अपने आप को ज्यादा देख रहे हो, आप सेल्फिशली आप बिहेव कर रहे हो, और कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है आप लॉजिक ज्यादा देख रहे हो, यानी कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह से बदल गए हो, जैसे आप थे वैसे ना रह के आप पूरी तरह से, कहां तो आप उन्हें उनका ध्यान रखते थे और कहां अब आप अपना ध्यान रख रहे हो। और इसको सोचकर कि भाई आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, आपके पर्सन बहुत ज्यादा यहाँ पर रिग्रेट लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड देखिए, डेफिनेटली वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट मुझे दिखाई दे रहे हैं, बढ़ना वो आपके साथ चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये लग रहा है कि वो आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनके बिना आगे बढ़ चुके हो। यहाँ पर ये चीज है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, क्योंकि वो इस चीज को मानने के लिए तैयार भी नहीं हो पा रहे हैं और मान भी रहे हैं। तो इन इन दो थॉट्स के बीच में ये काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इन थॉट्स को सोच सोच कर काफी ज्यादा हेल्पलेस, होपलेस होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल दो राहे पे खड़ा हुआ फील कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि ये जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स है वो सही हो जाएंगी, फेयर जजमेंट हो जाएगा, आप मैच्योरली सिचुएशन को डील कर लोगे, क्लियरिटी आ जाएगी, कन्फ्यूजन्स हट जाएंगे, और इन सब चीजों में ना बहुत ज्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है कि आप कर लोगे, और दूसरे पल ये सोचते हैं नहीं, आप तो प्रैक्टिकल हो गए हो, लॉजिक्स देख रहे हो, आप अपने आप पे काम कर रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हो, ये हो रहा है इनके साथ। देखिए आप लोगों के बीच में गाइस कोई फैमिली पर्सन जरूर है जिसने ये सब आप लोगों के बीच में लाकर खड़ा करा है, आप लोगों को इस स्टेज पे लाके खड़ा करा है, आपके रिश्ते को यहाँ पे खत्म करके छोड़ा है, यहाँ पर ये चीज भी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हैं इस समय पे करेंटली। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्क एंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड टीचर बताइए। फाइव ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि आया है गाइस। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। गाइस यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में एज गैप हो सकता है। द एम्प्रेस, आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के पास किसी अट्रैक्शन की वजह से गए थे। सेवन ऑफ सोर्ड्स, गाइड टीचर यूनिवर्स, नाइन ऑफ कप्स। देखिए गाइस आपके पर्सन तो स्टेबिलिटी चाहते हैं, अभी भी उनके साथ यही हो रहा है कि वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। और बताइए यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में एज गैप दिखाई दे रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, गाइड टीचर यूनिवर्स, एट ऑफ सोर्ड्स, गाइड टीचर यूनिवर्स। आपके पार्टनर तो यहाँ पे भी बहुत डिप्रेस्ड एनर्जी में आए हैं, यहाँ पे भी बहुत परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। नंबर फाइव यानी कि मई मंथ आपसे रिलेट करता होगा। सिक्स ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक द फूल आया है। देखिए गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट में आपके पर्सन और इस थर्ड पार्टी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, रिसेंटली हुआ है, और उसका मुझे मेन रीजन दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को चीट कर रही है।
ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को, या हो सकता है आपके पर्सन ही इस थर्ड पार्टी को बीच मैदान में छोड़ने की तैयारी कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। पर जो भी है, इस रीजन की वजह से इन लोगों के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट, काफी लड़ाई झगड़े, काफी तू-तू मैं-मैं हुई है। एक दूसरे को काफी ज्यादा अनाप शनाप बोला गया है यहाँ पर। एक्चुअली में मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली हो यहाँ पर, ठीक है, इनके बच्चे हो, ये हो सकता है, ये हो सकता है आपके पर्सन ही इनके बच्चे हो, या ये भी हो सकता है आपके पर्सन किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गए थे, वो भी अट्रैक्शन की वजह से, इसके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे, इसे अपनी दुनिया मानने लगे थे, इसके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखने लगे थे, इसके साथ खुशियां देखने लगे थे, लेकिन ये सब की सब आपके पर्सन की इन चीजों में कन्वर्ट होके रह गई। इस थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आपके पर्सन को चीट करा है, जिस वजह से इन लोगों के बीच में यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पर्सन किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गए थे, या अगर ये आपके पर्सन की फैमिली है, तो इस वजह से गाइज आपके पर्सन सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा स्टक महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये आपके पर्सन खुद इनके बच्चे हैं, तो देखिए इन लोगों के बीच में भी काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, और आपके पार्टनर इनकी किसी बात को सीने से लगाकर बैठ गए हैं यहाँ पर, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं। आपके पार्टनर गाइज देखिए विद दिस पेज ऑफ कप्स कार्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड दो चीजें चाहते हैं, दो चीजों में नई शुरुआत करना चाहते हैं, पहली अपनी जॉब को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, और दूसरी अपनी रिलेशनशिप को लेकर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक ऑफर करना चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर अभी इतनी सैड एनर्जी में है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे शुरुआत करें, बहुत पेज वाली एनर्जी में आई है। कहीं ना कहीं देखिए गाइज यहाँ पर ये तो श्योरिटी दिखाई दे रही है कि इस समय पे आपके पर्सन विद इज द फूल का न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे यहाँ पे ये नहीं दिखाई दे रहा कि इस थर्ड पार्टी के साथ करना चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ना यहाँ पर स्टक है और सडनली ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं, तो फूल को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किसके साथ ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, किसके साथ ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। डेफिनेटली देखिए गाइज द टावर का कार्ड आया है। इस समय पे आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के साथ जो भी चल रहा है ना, उसे बहुत बड़ी नींव ले, मतलब इसे बहुत बड़ा झटका लेकर चल रहे हैं कि इनके इस समय पे पूरी दुनिया हिल चुकी है, और ये कहीं ना कहीं इसे बहुत बड़ा टावर मोमेंट समझ रहे हैं, और ये न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं लेकिन अकेले बंजारे की तरह यहाँ पे ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। यानी कि इन लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं ना, उस बात को ये सीने से इतना लगाकर बैठे हुए हैं, उस गलती को, ये जो इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, उस गलती को इतना सीने से लगाकर बैठे हैं कि ये अब अकेले ही बंजारों की तरह न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, चाहे उसमें कितना ही रिस्क क्यों ना हो। एक बार पेज ऑफ कप्स को और क्लैरिफाई करते हैं, इस चीज को श्योरिटी कर लेते हैं, किसके साथ ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, किसकी तरफ ये बनना चाहते हैं। डेफिनेटली देखिए गाइज ये हम ये इस थर्ड पार्टी से न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन्हें चीट कर रही है, या इनसे लड़ रही है, झगड़ रही है, अनाप शनाप बोल रही है, तो इस थर्ड पार्टी से न्याय मांगना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। न्यू शुरुआत इसके साथ नहीं करना चाहते, इसके साथ ये स्टक महसूस कर रहे हैं और सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी पहले जैसी नहीं रही, जैसे ये इन्हें प्यार करती थी, ये इनके प्रति बहुत अट्रैक्शन फील करते थे, ये इनके साथ दुनिया देखते थे, तो ये वैसी नहीं रही है, पूरी तरह से चेंज हो गई है, इन्हें ऐसा भी इसके लिए फील हो रहा है यहाँ पर। चलिए ये तो थी इन आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, देखते हैं थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स रखती है। थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स रखती है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स पेंटिकल्स इज अ थर्ड पार्टी को बस पैसा ही दिख रहा है क्या, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स,
और बताइए बस क्या सोच रही है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में। थर्ड पार्टी एस ऑफ सोर्स, ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ ही बना रहना चाहती है, उन्हीं के साथ न्यू बिगनिंग चाहती है, उन्हीं के साथ रिश्ते में खुशियां देखती है। ये एक कार्ड है पीछे यूनिवर्स, डेफिनेटली बॉटम ऑफ द डेक टेन ऑफ सोर्स। वन नंबर यानी कि जनवरी मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए गाइस, ये जो थर्ड पार्टी है ना, बेसिकली जो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, उस वजह से इसे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने इसे डिच करा है। आपके पर्सन ना इस लड़ाई झगड़े में इसको बहुत गहरे घाव दे रहे हैं, इसे हर्ट कर रहे हैं, इसका दिल दुखा रहे हैं, इसे रुला रहे हैं, इसे ऐसा फील हो रहा है। इसके साथ ही इसे ऐसा भी लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के लिए बहुत करा, उन्हें बहुत दिया, उनके लिए जी जान लगा दी, यानी कि उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रही है, इवेल्युएट कर रही है, एनालाइज कर रही है। और इसको ये लग रहा है कि मैं बहुत करती थी या करता था, मैंने बहुत दिया, उसके बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे रिश्ता जो है आज तलवार की नोक पर आके रखा गया है। उसके साथ इसे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन अब पूरी, ये भी यही सोच रही है कि आपके पर्सन पूरी तरह से बदल गए। पहले ये इसे बहुत प्यार करते थे, इसकी बहुत केयर करते थे, इसके अकॉर्डिंग चलते थे, और अब ये पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। उसके अलग इसे ऐसा भी लग रहा है कि इसे डर लग रहा है कि आपके पार्टनर इसे एक दिन छोड़कर चले जाएंगे विद दिस फाइव ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। ये चीज़ें इसे सोने नहीं दे रही हैं, ये चीज़ें इसे दिन रात घबराता रहता है, इस वजह से इसका दिल चाहती है ये चीज़ें सही कर ले विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, मतलब इसकी लीड ले ले, क्योंकि ये चाहती है कि आपके पर्सन और इसका फिर से एक रीयूनियन हो जाए। ये उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी मुझे दिखाई दे रही है कि ये किसी भी लिमिट पर आपके पर्सन को, किसी भी कॉस्ट पर आपके पर्सन को पाना चाहती है, और उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार है, ये चीज दिख रही है। क्लियरिटी लाना चाहती है, बातों को समझाना चाहती है, सही से कम्युनिकेट करना चाहती है, क्योंकि उनके लिए पैशनेट भी है और आपके पर्सन के साथ बना रहना भी चाहती है। ये थर्ड पार्टी जो भी है आपके पर्सन को अपनी खुशियां मानती है। यहाँ पे इसको ये लग रहा है कि आपके पर्सन इसकी लाइफ में रहते हैं तो इसकी खुशियां बनी रहती है। हालांकि इसे समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन ने इसके साथ धोखा करा, विश्वासघात करा, इसका करा हुआ उन्होंने सब खत्म कर दिया। इसको ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर चले गए, लेकिन फिर भी ये चाहती है कि ये लीड ले, इस रिश्ते की लीड ले ले। ये फिर भी रिस्क लेना चाहती है, फिर भी बना रहना चाहती है, फिर भी एक्शन लेना चाहती है, फिर भी एक पॉजिटिव चेंज लेकर आना चाहती है, ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। इसको गाइस यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन अगर इसकी लाइफ से चले गए तो इसे पैसों का भी यहाँ पर लॉस होगा, ठीक है। तो इसे ये डर भी यहाँ पर सता रहा है, तो इसको पता है कि आपके पर्सन अगर इसकी लाइफ से चले गए तो इसका हर तरह से लॉस ही लॉस होना है। तभी आपके पर्सन के साथ इतने कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भी उनके साथ बनी हुई है यहाँ पर, ये चीज है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये थर्ड पार्टी आपके लिए क्या फीलिंग्स रखती है। प्लीज इनवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए थर्ड पार्टी करंट में क्या फीलिंग्स रखती है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या फीलिंग्स रखती है मेरे व्यूअर्स के लिए थर्ड पार्टी। एस ऑफ पेंटिकल्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स, नंबर वन जनवरी मंथ यहाँ पे काफी लोगों से रिलेट करता होगा गाइस। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स। एट ऑफ सोर्ड्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स,
स्टार, सेवन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, एस ऑफ कप्स। यहाँ पे हो सकता है गाइज आप लोगों को ट्रिपल वन भी दिखाई देता हो, ठीक है, या इलेवन इलेवन नंबर भी दिखाई देता हो। देखिए गाइज, इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है, पहली चीज कि आपके पर्सन और आपका एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है, आप दोनों ने एक दूसरे से सच्चा प्यार किया है और आप दोनों का जो रिश्ता बचा हुआ है ना, उसके ऊपर एंजल्स का हाथ है, उसे ऐसी चीजें लग रही हैं। उसके अलग उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जैसे ये वाटर मिल रहे हैं ना, ऐसे एक दिन आप भी मिल जाओगे। फिर यहाँ पे तो इतने सारे एसेस की एनर्जी आई है, उसे ना हर समय ये लगा रहता है कि आपके पार्टनर आपके साथ फिर से एक न्यू बिगनिंग कर लेंगे। वो इमोशनली आपसे अटैच्ड हो जाएंगे, वो पैसों से आपसे अटैच्ड हो जाएंगे, आपके बीच में जो अभी क्लियरिटी नहीं है, जो कम्युनिकेशन बंद हुआ हुआ है, वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इसके दिमाग में हर समय यही चीजें चलती रहती हैं। कहीं ना कहीं इसको ये भी लग रहा है गाइस कि इसके पर्सन बेसिकली चाहे ये किसी भी तरह से आपके पार्टनर से अटैच्ड है, पर ये मानती तो ये उन्हें अपना ही है। इसको ये लगता है कि इसके पर्सन ना इसे बीच मैदान में छोड़कर, इसे डिच कर चले जाएंगे, इसे ब्लॉक कर देंगे विद दिस नाइन ऑफ वॉन्ट्स कार्ड। इसको ऐसा लग रहा है कि वो इसको ब्लॉक कर देंगे, या अकेली रह जाएगी, वो इससे बात नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, चुपचाप उठकर चले जाएंगे इसकी लाइफ से, और फाइनली ये स्टक हो जाएगी, ये नहीं समझ पाएगी कि मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, इसे ये लग रहा है। इसको थर्ड पार्टी को ये पता है गाइस कि आपके पर्सन आपकी तरफ क्यों इतना ज्यादा अट्रैक्टेड है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी आई है, जो बता रही है कि इसको ये पता है कि आप बहुत ज्यादा केयरिंग हो, उसके पर्सन की बहुत केयर करते हो, सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, मतलब इसे पता है कि आप उन्हें कैसे अपना बना के रखते हो, ये चीजें आपकी क्वालिटीज इसे पता है। इसीलिए इसे ये लगता रहता है कि जो न्याय होगा ना, वो इसके फेवर में ना होने के बजाय आपके फेवर में हो जाएगा। जो पॉजिटिव अनाउंसमेंट होगा या जो एक गुड न्यूज आएगी ना, वो इसके फेवर में नहीं होगी, आपके फेवर में हो जाएगी। इसे ये डर सताता रहता है, यानी कि आपके पर्सन ना आपकी तरफ आ जाएंगे, एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स देंगी, एंजल्स आप लोगों को सपोर्ट करेंगी, इसको ऐसा लग रहा है। उसके अलग गाइज ये ऐसा भी सोच रही है कि इस समय पे ना, जितना ये तो बहुत परेशान है क्योंकि इसके बीच में, इसके और आपके पर्सन के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इसको ये लग रहा है कि ये तो इधर परेशान है, ये तो इधर स्टक हुई पड़ी है, ये तो यहाँ पर इनसिक्योरिटी में जी रही है, और इधर आप हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपने पैसों पे काम कर रहे हो, आप दिन पर दिन ग्रोथ कर रहे हो, इसे ये लग रहा है यहाँ पे। मतलब इसको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में, जैसे इसके साथ गाइज बेसिकली ये हो रहा है कि जब आपके पर्सन आपके साथ थे तब ये परेशान थी, जब आपके पर्सन आपके साथ नहीं है तब ये परेशान है, तभी भी इसे ऐसा लग रहा है कि आप मजे कर रहे हो, आप सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहे हो, आप बहुत खुश हो। और उसके अलग इसे ऐसा, अब इसके साथ आपके पार्टनर है तब भी इसके दिमाग में यही चल रहा है कि वो वापस से आपकी लाइफ में ही चले जाएंगे। यानी कि अगर मैं आपको सीधी सी बात बोलूं तो ये किसी भी तरीके से खुश नहीं है और ना ये रह सकती है, इसके साथ ये है। इसकी लाइफ में चाहे कितना भी अच्छा हो जाए ना, ये हर कंडीशन में रोने वाली है, हर कंडीशन में से स्टक हुई भी है, ऐसा ही लगता रहता है। क्योंकि बेसिकली ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये ऐसे लाइफ जी रही है कि आंखों पे पट्टी बांध ली है इसने, और फिर ये लाइफ जी रही है कि भैया, फिर उसके बाद इसे हर चीज में अंधेरा अंधेरा ही दिखता है, चाहे इसके पास कितनी ही खुशियां क्यों ना हो। तो इसे यहाँ पर यही लग रहा है कि आपके पर्सन ना देखो आपसे इमोशनली अटैच्ड हो जाएंगे, आपसे फाइनेंशियली अटैच्ड हो जाएंगे, और आप लोगों के बीच में जो अभी क्लियरिटी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, वो फिर से चालू हो जाएगा, फिर से आपका प्यार चालू हो जाएगा, फिर से आप लोगों का रिकंसलेशन हो जाएगा, फिर से आप लोगों की लाइफ में खुशी आ जाएंगी, इसे ऐसा लग रहा है। और इसको ये लग रहा है कि इसको तो छोड़कर चले जाएंगे, चुपचाप चले जाएंगे, इसे किसी भी दिन उठकर इसकी लाइफ से चले जाएंगे और फिर इसको कर देंगे ब्लॉक। ऐसा लग रहा है इसको कि इसे ब्लॉक कर देंगे और इसकी अपने चारों तरफ वॉल खड़ी कर लेंगे यहाँ पर।
ऐसा थर्ड पार्टी का मानना है आपके लिए। तो गाइस ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज मुझे बताना और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके टाटा बाय बाय।